जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है RBSH की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं RBSH की आवाज। हम हाजिर हैं आज की खबरों के साथ। ग्वालियर जिले के 25 से ज्यादा जेडो आज ग्वालियर पूर्व के विधायक मुन्नालाल गोयल के पास पहुंचे और उन्हें एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि उनके साथ नगर निगम के काम में भेदभाव किया जा रहा है। उनका कहना है कि सब इंजीनियर की पोस्ट पर ज्वाइन होने के बाद उनसे सफाई व्यवस्था जैसा काम लिया जा रहा है, जो कि उनके साथ नाइंसाफी है। उन्होंने बताया कि पहले से ही उनके पास बहुत सारे काम हैं, उसके बावजूद आयुक्त महोदय ने उन्हें अतिरिक्त काम सौंप दिए हैं, जिससे उनका पारिवारिक और मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई और उन्हें तुरंत सफाई व्यवस्था जैसे काम से नहीं हटाया गया तो वह सभी मिलकर नगर निगम में हड़ताल भी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस संबंध में विधायक गोयल ने भी उन्हें आयुक्त महोदय से बात कर निदान दिलाने का आश्वासन दिया है। ग्वालियर जिले के 25 जेडो इस समय मुरार विधायक मुन्नालाल गोयल जी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी कुछ समस्याएं जिनको लेकर के आज वो विधायक जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं, किस लिए वो यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं। यही लगा लो सभी जोनल अधिकारी यहाँ माननीय प्रज्वल सिंह तोमर जी के यहाँ भी गए थे और उसके बाद में अभी माननीय विधायक जी मुन्नालाल गोयल जी के यहाँ आए हुए हैं। इस बात का ज्ञापन दे रहे हैं कि सफाई व्यवस्था में हम लोगों को काम लिया जा रहा है, जनमित कल्याणकारी योजना और जनमित केंद्र का भी काम लिया जा रहा है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर का भी काम लिया जा रहा है, उपयंत्री का काम भी लिया जा रहा है। ये चारों काम बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, इसीलिए सभी जोनल अधिकारी इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हैं। कई बार निवेदन कर चुके हैं, आयुक्त महोदय को कई बार निवेदन कर चुके हैं कि जोनल अधिकारी की व्यवस्था को ख़त्म किया जाए और जोनल अधिकारी से हमको हटा दिए। चार चार पदों का काम हमसे नहीं संभल रहा है, हम इसको संभालने में पूर्णतः अच्छा हैं और बार बार हमसे आग्रह किया जाता है कुछ समय देख लो ये काम और आपसे हटा लेंगे इस काम को, लेकिन फिर भी हमारे मूल सेटअप के हिसाब से हमसे काम लिया जाए। हम उपयंत्री बिल्डिंग इंस्पेक्टर का काम करने को तैयार हैं, लेकिन बाकी ये अन्य काम हमको जनकल्याणकारी योजनाओं के हैं और सफाई व स्वच्छ भारत मिशन के काम हैं। नगर निगम में CMO आए हुए हैं जिनसे ये काम लिया जाए, सहायक आयुक्त हैं इनसे ये काम लिया जाए और तमाम ASI AHO हैं उनसे ये काम लिया जाए। हम लोगों से ये काम क्यों जबरदस्ती दिया जा रहा है। तो क्या क्या परेशानियाँ आती हैं आप लोगों को जब आप काम कर रहे होते हैं, तो जो काम आप अतिरिक्त काम जिसे आप बोल रहे हैं क्या क्या परेशानियाँ आती हैं? जनकल्याण विभाग का जैसे कार्य आपको उदाहरण के लिए अभी मीटिंग थी, मीटिंग में ये कहा गया कि पेंशन के फार्मों का अगर सत्यापन पोर्टल पर नहीं चढ़े ये पूरे फार्म तो जेडो को 30 तारीख को निलंबित कर दिया जाए। अब इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं चढ़ा रहा है या जनमित्र केंद्र प्रभारी काम नहीं करा रहा है तो सीधा जेडो जिम्मेदार कैसे हो गया इसके लिए, जेडो को निलंबित क्यों किया जाएगा? तो इसको लेकर के अभी आपने बताया कि आप इसी तरह से हमारा WHO एक दरोगा का पद होता है, WHO के ऊपर एक ASI होता है, उसके ऊपर एक SI होता है, फिर जा करके AHO होता है, तो ASI और SI के पद खाली हैं जिनको क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्योंकि जेडो इंदौर उज्जैन जहाँ भी व्यवस्था बनाई सहायक यंत्री वहाँ पर जेडो होता है, जब सहायक यंत्री जेडो होता है तो हम तो उपयंत्री हैं, तो बीच में 3 पदों का गैप दे करके हमसे जेडो का काम क्यों लिया जा रहा है और क्यों थोपा जा रहा है ये सब काम? कई बार हम निवेदन कर चुके, कई बार ज्ञापन दे चुके, कितने दिन से इस कारण से हम अपने जो मूल कार्य है निर्माण से संबंधित कर उनकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे पाते। अच्छा, कितने दिन से ये मांग चल रही है आप लोगों की? हम कई बार इस कार्य पर निवेदन कर चुके हैं। किस किस से मिल चुके हैं? आयुक्त महोदय से मिल चुके हैं और पूर्व आयुक्त से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमको केवल आश्वासन मिला है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी मंत्री जी से भी आप मिलके आए, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इस पर आयुक्त महोदय से चर्चा करेंगे। और विधायक जी ने क्या बोला? विधायक जी ने यही बताया, अगर आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप नहीं, हमें ऐसा उम्मीद है कि हमारी मांगे पूरी होंगी क्योंकि जैसा कि अभी दीपावली का त्यौहार है और इस समय पूरे ग्वालियर शहर के अंदर काफी कचरा भी हो जाता है और काफी साफ सफाई के लिए भी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं, तो ये जो आप अभी इकट्ठे हुए हैं तो इसको लेकर के क्या, जैसे कि कोई भी आपकी आंदोलन की या कुछ भी अगर प्रक्रिया बनती है तो क्या मतलब दीपावली की बात करेंगे या मतलब कैसे क्या रहेगा? दीपावली के त्यौहार में तो कार्रवाई चल रही है, दीपावली पे तो संसाधनों के अभाव में गाड़ियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं जिससे कचरा नहीं उठ पा रहा है, सारी जिम्मेदारी जेडो को ही तो सौंपी जा रही है।
बाहर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जेसीबी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इको ग्रीन कंपनी को भी तो काम दिया गया ना सफाई का। हमारा सीधा सिस्टम यही है, सेटअप के अनुसार काम है। स्वास्थ्य विभाग का काम करे, जनकल्याण का काम करे, सबकी जिम्मेदारी फिक्स हो, हर व्यक्ति अपने काम को ध्यान से करे। स्वास्थ्य विभाग का हमला पूरा तैयार है, PHU हैं, PSI है, SI है, HU है, तो स्वास्थ्य विभाग को अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में WHO काम कर रहे हैं, क्षेत्र सभी व्यवस्था होकर चल रही है, परंतु जो सेटअप है उसके अनुसार काम करना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगे तो तब तक काम कर पाएगा इंसान, आदमी क्षमता लिमिटेड होती है। तो जैसा कि यहाँ पर जो 25 से अधिक यहाँ पर जेडो आए हुए हैं और इन सबका माननीय विधायक जी को जो इन्होंने ज्ञापन दिया है, इन सभी का ये कहना है कि हम पर अतिरिक्त काम का जो लोड पड़ रहा है उसका प्रेशर हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ रहा है, परिवार पर भी पड़ रहा है और हमारे काम पर भी पड़ रहा है। जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से काम है उन कामों पर भी पड़ रहा है। तो इन्होंने भी विधायक सुनारायण गोयल जी को ज्ञापन दिया हुआ है और जैसा कि इनको अभी आश्वासन मिला है, हम उनसे भी बात करेंगे विधायक जी से कि आखिर वो क्या करने वाले हैं इन सबके लिए। ग्वालियर जिले के 25 जेडो इस समय माननीय विधायक से मिलने के लिए आए हुए हैं और उनका कहना है कि नगर निगम में जो काम इनको दिया गया है उस काम के अतिरिक्त उनसे काम दिया जा रहा है और उसको लेकर के अभी उन्होंने विधायक को ज्ञापन दिया है। सर, ग्वालियर जिले के जो जेडो हैं 25 से सारे लोग मिलकर के आए हुए हैं और इन्होंने अपनी समस्याएं बताई, इसके निदान के लिए आप कहना? इनकी समस्याएं वाजिब है क्योंकि जिस तरीके से इनको मेमोमेंडित कर रखा है ना, जेड हो मतलब ये मिनी कमेंट आयुक्त हैं, लेकिन मिनी आयुक्त तो कहने को हैं, इन्हें पे अधिकार नहीं है। जो कह रहे थे कि साढ़ पकड़ लो, ठीक है ना, फलानी जगह जाके सफाई कर लो, लेकिन निश्चित तौर पर इन पर लोड ज़्यादा है। मैं महसूस करता हूँ इन पर तमाम सारा लोड आराम से ला दिया है। जिस विभाग की जिम्मेदारी है, मान लीजिए बीवी समस्या है तो बीवी विभाग बना हुआ है, यदि स्वास्थ्य विभाग बना हुआ है, जनकल्याण में बना हुआ है, तो ये जिम्मेदारी कुछ थोड़ा इनको हल्का करना चाहिए। यदि ये जेडो है तो फिर केवल जेडो का ही काम उन्होंने करना चाहिए। आज बेसिकली ये सब सिविल इंजीनियर हैं तो इन्हें सिविल इंजीनियर काम लेना चाहिए। तो कई जगह तो ये कर दिया, दो कर दिए हैं कि आप भवन अधिकारी बने हुए हो, आप जेडो बने हुए हो, कई जगह डबल चार दे दिए हैं। मेरा कहना है कि इनके साथ निश्चित तौर पर इनकी जो दर्द है, वेदना है, ये सही है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। इस बारे में हम कमिश्नर से बात करेंगे कि इनके साथ बैठ के रास्ता निकालें, क्योंकि ये हमारे जो 25 क्षेत्रीय कार्यालय के जो सुप्रीम हैं, यदि इनके चेहरे की मुस्कान चली गई, इनके चेहरे पर तनाव आ गया, टेंशन में आ गई, तो हमारी सफाई व्यवस्था सही खत्म हो जाएगी। तो इनके साथ कमिश्नर बैठें और बैठ के जो इनकी जिनैन बातें उसको मानें और रास्ता निकालें। कुल मिला के ये कि इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, इनके हम साथ हैं। तो जैसा कि अभी विधायक जी ने बताया है कि वो उनके साथ में है और उन्होंने ये भी बोला है कि ये 25 जेडो नहीं है, ये पूरे ग्वालियर शहर को संभालने वाले अधिकारी हैं और इनकी समस्याओं को बिल्कुल उन्होंने वाजिब बताया और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जो आयुक्त हैं उनसे मैं इस बारे में बात भी करूँगा। अपने सहयोगी अजय दुबे के साथ मैं संजय भारद्वाज, RBS लाइव इंडिया। आज की खबरों में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए RBS न्यूज, सच की आवाज़। जय हिंद।